हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्या पढ़ना है कि इसमें आवर जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वैसे एक्सपेंशन को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 5 से 2 को, ठीक, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यानी कि 0.0540 है ना, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया। ठीक, तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी वैसा डेसिमल क्या है, दूसरा, ये पहला है, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ना, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं करे और क्या करे, रेकर करते रहे। जैसे 1/3, 2/3, ये सब जो एक्सपेंशन है ये क्या करेंगे, रेकरिंग करते जाएंगे, टर्मिनेट नहीं करेंगे। बात समझ में आया? क्यों, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.33333, इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 0.66666, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और क्या करेगा, रिपीट करेगा अपने आप को, रेकरिंग मतलब रिपीट करेगा। बात समझ में आया? उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तीसरा पार्ट क्या है इसमें, कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करे और रेकर भी नहीं करे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे कि क्या हो, वो नंबर जो है टर्मिनेट भी नहीं करते, जैसे जितने भी इरेशनल नंबर है सब क्या है हमारे, टर्मिनेट भी नहीं करते हैं और रेकर भी नहीं करेंगे, यानी कि जैसे √2 का वैल्यू ले लीजिए, √3 का वैल्यू ले लीजिए, ये सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे कि 1.0001000001001, इस तरीके से चलता चला जाए, है ना, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड ऑल्सो से दैट व्हाट काइंड ऑफ दे आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो कैसे है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग है, कैसा है। ठीक, तो जैसे एक क्वेश्चन है 36/100, 36/100, ठीक है, तो इसको बताने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा 100 से इसमें 36 में। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे होगा ये डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 100 से कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, कितना आया, 60 है ना, फिर क्या होगा, जीरो उतारेंगे, फिर 6 बार में चला जाएंगे, यानी कि कितना आया हमारा, 0.36 क्वेश्चन आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट कर जा रहा है, यानी कि ये रिमाइंडर जीरो, मतलब कि रिमाइंडर कितना आया, इसका जीरो आया, यानी कि ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1/11, देखिए 1/11, ठीक, इसको देखना हमें, तो कैसे करेंगे, ठीक, तो 11 से इसमें डिवाइड कीजिए 1 में, ठीक है, तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, पॉइंट लगाएगा तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, फिर नहीं जाएगा, फिर एक और जीरो, और ये यानी कितना बार में जाएगा, 9 बार, कितना आएगा, 1, ठीक, फिर से जीरो, फिर से जीरो, फिर 11 9 जा,
कितना आया 1। इसी तरीके से 9090909 इस तरीके से ये क्या करेगा, रिपीट करते चला जाएगा। बात क्लियरली समझ में आया, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या करेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, हमेशा रिटर्न करेगा, यानी कि 0.09 के ऊपर क्या होगा, 12 होगा। यानी ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक है। और अब नेक्स्ट है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है इसमें कि क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ फ्रैक्शन दिया है, इस तरीके से कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, जिसको कि हम लोग को क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 8th क्लास में इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे दिया हुआ है 0.6 के ऊपर 12, इस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पी बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अगर सिर्फ 0.6 दिया रहता तो क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 6/10 लिख देते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है ना। लेकिन क्या दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर 12, यानी इसका क्या मतलब हुआ, 0.6 इसका मतलब हुआ 0.6666, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, कि लेट एक्स इज इक्वल टू 0.66666, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करें, अब दोनों साइड हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद है ना, बार में तो एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक। तो हम लोग क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10x इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6.6666 ये आ जाएगा, ये आगे चलता चला जाएगा। बात समझ में आया। अब इक्वेशन 1 है मान लीजिए ये, और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में से 1 को जब माइनस कीजिएगा तो 10x में से x जाएगा, कितना होगा, और इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, यानी कि 6.666 .. माइनस 0.66666, तो ये क्या आ जाएगा, 0.666 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 9x बचेगा, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9, यानी कि 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, यानी ये क्या आएगा, 2/3। बात क्लियरली समझ में आया, कैसे हम लोग फ्रैक्शन में इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको कि हम लोग को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, और हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। बात इतना समझ में आया, ओके। अब क्या बोल रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है, क्या लिखना है, हमें इरेशनल नंबर लिखना है। जैसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 1/7 और कितना दिया है, 2/7, इसके बीच में क्या लिखना है, इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/7 को क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 1/7 से 1 में तो क्या आएगा, 0.07 × 1 = 7, 3 × 0 = 7, 4 = 28, 2 आ गया, फिर इसमें 0 होगा, 7 × 2 = 14, 6, फिर 0 × 7 = 56, कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 0 × 7 = 35, 5, फिर 7 × 7 = 49, 1। देख लीजिए हम लोग 1 से ही शुरू किए थे और 1 पे फिर से आ गए, यानी रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, 1 से ही शुरू किए थे और 1 पे हम लोग आ गए, यानी कि ये जो नंबर है अब ये क्या करेगा, अपने आप को रिकर करते चला जाएगा, यानी कि 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर से आएगा क्या, 1, 4, 2, अब देखिए 0 उतारेंगे, फिर से क्या आएगा, 1 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, यानी कि 1, 4,
142857, इसी तरीके से क्या होगा, ये रिपीट करते जाएगा, यानी कि 157 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.142857, ठीक, और 2/7 इसके ऊपर बार, ठीक, और 2/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं, 2/7 को इसको भी सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जीरो सॉरी पॉइंट उतारेंगे, जीरो होगा 7, 2 14, 6 उतरेगा 0, 7, 8 56 कितना होगा, ठीक, तो फिर कितना होगा, 0 उतरेगा 7 5 35 कितना आएगा 5, फिर 0 उतरेगा 7 7 49 है ना, उसके बाद फिर से 0 उतरेगा कितना आएगा 7 1 7 10 7 3 फिर कितना हुआ 0 उतरेगा 7 4 28 2 बात समझ में आया, यानी कि रिमाइंडर देखिए कितना आ गया 2 आ गया, 2 से शुरू किए थे और 2 आ गया, यानी कि अब ये नंबर फिर से अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा, यानी कि ये नंबर जो है 285714 फिर 285714 इसी तरीके से आगे चलता चला जाएगा, यानी कि कितना आया 0.285714 के ऊपर बाद, ये दोनों आ गया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में हमें रैशनल नंबर लिखना है, तो इरेशनल नंबर लिखना है, तो इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर कुछ भी लिखना हो तो इनफाइनाइट हो सकता है किसी भी दो रियल नंबर के बीच में, ठीक। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, जैसे ये क्या है 142857 डॉट डॉट डॉट, अगर बार में हटा दो तो, ठीक, 285714 ये आगे चलता चला जाएगा, तो इसके बीच में क्या क्या नंबर हो सकता है, 14 के बाद क्या आ जाएगा 1.15 01 001 0001 0001 0001, देखिए ये सारे इरेशनल नंबर है, और रैशनल इरेशनल नंबर लिखना है तो और भी लिख सकते हैं 1818001 0001 0001 या कुछ और भी लिख सकते हैं, 28 के अंदर ही रहना चाहिए, कुल मिला मिला के ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है, 0.25 1 0 0 2 0 0 3 फिर इस तरीके से 4, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर है, बात समझ में आया, और ये दोनों के बीच का ही रैशनल इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई को समझ में नहीं आ रहा है इरेशनल नंबर लिखना, तो मुझे मैसेज करेगा या मुझसे बात करेगा, ठीक, तो उसको क्लियरली और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है, अगर हो रही है तो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो बताएं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिसको कि हम लोग को लिखना था, ठीक है। ओके, तो अब होमवर्क है, एक्सरसाइज बनाइए पूरा, जितना तक बता दिए हैं, यानी 1.3 तक तो आपका कंप्लीट ही हो जाना चाहिए अभी, ठीक है, 1.3 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 1.4 में क्या है, मैग्नीफाई करना है, विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1.4 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सीख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।